रावण के जीवन से जुड़े रहस्य। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रावण के जीवन से जुड़ी कई ऐसे रहस्य जिनको अभी तक सामने नहीं लाया गया है। रावण के जीवन में आपने अधिकतर एक ही बात सुनी होगी, सीताहरण, सीताहरण और सीताहरण। इसके अलावा उसमें असंख्य गुण तथा विशेषताएं भी थी। शास्त्र, वास्तु तथा ज्योतिष के महान ज्ञाता रावण ने एक पुस्तक भी लिखी थी जो रावण संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। यह ज्योतिष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। अपने असीम ज्ञान के कारण रावण को अहम हो गया था और भगवान राम के हाथों मृत्यु का सामना करना पड़ा। इस वीडियो में हम आपको रावण से जुड़े जीवन के बारे में बताने वाले हैं। उसके जीवन से जुड़े कई ऐसे रहस्य हम उजागर करने वाले हैं जिसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। पहला रहस्य, दशानन को यह नाम शिवजी ने दिया था। जब रावण शिवजी का कैलाश पर्वत से लंका में स्थानांतरण करना चाहता था, तब उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, लेकिन शिवजी ने अपना पांव रखकर ऐसा करने से रोक लिया और उसकी उंगली कुचल दी। वह पीड़ा के कारण जोर जोर से दहाड़ने लगा। इसी समय उसके शिव तांडव श्रुतम प्रदर्शित किया। उसने रुद्र वीणा का निर्माण भी किया, जिसमें उसने अपना एक सिर वीणा के तुम्बे को बनाने में और एक भुजा को धारणी बनाने में तथा अपने तांत्रिका को श्रृंग बनाने में उपयोग किया। शिवजी प्रभावित हुए और उसको ये नाम दिया। दूसरा रहस्य, रावण के पुष्पक विमान जैसे हवाई वाहन को भी नियंत्रित कर लिया था। पुष्पक विमान को हर कोई नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसके पास ऐसे ही अनेक हवाई विमान थे। तीसरा रहस्य, अत्यंत तीव्र बुद्धि वाले रावण को कोई वश में नहीं कर सकता था। असीम शक्तिशाली रावण मानसिक तथा शारीरिक रूप से अधिक प्रबल था। ग्रहों की स्थिति बदलने की शक्ति रखने वाला रावण एक अत्यंत ज्ञानी ब्राह्मण था। अपने पुत्र मेघनाद के जन्म पर रावण ने सभी ग्रह को मेघनाद के 11वें ग्रह में रहने का निर्देश दिया था, परंतु शनि ग्रह ने ऐसा करने पर आपत्ति जताई और 12वें ग्रह में स्थापित हो गए, तो रावण ने शनि को कारावास में डाल दिया था। चौथा रहस्य, क्या आप जानते हैं कि रावण और कुंभकर्ण भगवान विष्णु के द्वारपालक थे? जी हाँ दोस्तों, जय और विजय नामक द्वारपाल बैकुंठ में भगवान की सेवा द्वारा और द्वार रक्षकों के रूप में वे वहां पर कार्य किया करते थे। एक दिन ब्रह्म के पुत्र चार कुमार, जिन्होंने ब्रह्मचार को चुना था और ब्रह्म जी ने सदा 5 वर्ष का रहने का वरदान मांगा, बैकुंठ पहुंचे और उन्हें बालक समझकर जय और विजय ने उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। उनको यह कह दिया गया कि भगवान विष्णु अभी नहीं मिल सकते। चार कुमारों ने कहा कि भगवान अपने भक्तों के लिए सदैव समर्पित रहते हैं। क्रोधित कुमारों ने जय और विजय को श्राप दिया कि उन्हें भगवान से अलग रहना पड़ेगा। जय और विजय के क्षमा मांगने पर कुमारों ने कहा, या तो वो धरती पर भगवान के सहयोगी के रूप में 7 जन्म व्यतीत करें या 3 जन्म भगवान के शत्रु बनकर बिताएं। जय और विजय ने धरती लोक पर 3 जन्मों के दंड को उचित समझा और 1 जन्म में रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में पृथ्वी पर आए। पांचवा रहस्य क्या है? रावण की मृत्यु के समय राम ने लक्ष्मण को उनसे कूटनीति तथा विद्याएं सीखने के लिए भेजा। लक्ष्मण रावण के सिर की ओर जाकर खड़े हो गए थे और उनको क्रोध आया और अपना ज्ञान देने से मना कर दिया। तब राम के कहे अनुसार लक्ष्मण उनके चरणों के समीप पहुंचे और क्षमा मांगी। इस प्रकार रावण ने अपनी कूटनीतियां तथा विद्याएं लक्ष्मण को प्रदान की। दोस्तों, थी ना ये रोचक जानकारी? दोस्तों, अगर आपको ये रहस्य जरूर पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।